Lempar dalung guys. Hello friends, welcome back to my channel Mr. God. मैं हूं सुमित। लोग मुझे जब मैंने अपनी चीजी मैक्रोनी की चीजी पास्ता की वीडियो जब मैंने अपनी डाली थी तब लोग मुझे बोल रहे थे कि कोई और भी डालो मैक्रोनी या कोई और भी डालो कोई और मतलब रेड सॉस पास्ता डालो तो ये डालो। भैया वो सभी डलेगा कभी ना कभी जरूर डलेगा अभी नहीं डलेगा। अभी मैं क्या बनाने वाला हूं अभी मैं बनाने वाला हूं वेजिटेबल मैक्रोनी। ठीक है अब आप उसे वेजिटेबल पास्ता बोलो वेजिटेबल मैक्रोनी बोलो वो सब तो आप ही के ऊपर में है। तो साउथ वेस्ट टोले को ठीक है इसके साथ में आप अगर चाहो तो थोड़ी सी मिंट वाली चटनी भी डाल सकते हो और आप मेयोनीज भी डाल सकते हो नॉर्मल वाली। ठीक है वो भैया सब कुछ आपके ऊपर में है और हम देखते हैं हम लोगों ने कैसे बनाई। चलो फिर मेरी रेसिपी देखते हैं। स्मोकी वेजिटेबल पास्ता बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ 1.5 कप पास्ता और ये मैं डिसानो कंपनी का यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल ही मतलब अच्छा है होल वेट है हेल्दी है मैदे का नहीं है। 1 कप मैं ले रहा हूँ ब्रोकली क्योंकि ब्रोकली में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है इसलिए ब्रोकली। शिमला मिर्च ले रहा हूँ मैं 1 कप। मशरूम ले रहा हूँ 1 कप। अनियन ले रहा हूँ 1/2 कप। ऐसे इसे अलग अलग कर ले। फ्रेंच बीन्स ले रहा हूँ 1/2 कप। खीरा जी हाँ खीरा ले रहा हूँ मैं 1/2 कप खीरा। क्वार्टर कप कॉर्न्स अपनी ले रहा हूँ मैं 1/4 कप। मटर 4-5 बड़ी बड़ी ग्रीन चिली पतली पतली 1.5 इंच अदरक ऐसे पतली पतली थोड़ी सी धनिया 1.5 टीस्पून सॉल्ट 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून लेमन जूस 1 नींबू का जूस। साउथ वेस्ट ड्रेसिंग में ले रहा हूँ यहाँ पे ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और टोमेटो केचप और मेयोनीज नॉर्मल सिंपल मेयोनीज मैं ये डालूंगा 2 चम्मच और अपनी सॉस डालूंगा 1 चम्मच और मेयोनीज डालूंगा 2 चम्मच। और यहां मैं ले रहा हूं कोल क्योंकि मैं स्मोकी वाला बना रहा हूं इसलिए कोल। अगर आपको स्मोकी का टेस्ट नहीं पसंद है आप मत ले कोल। तीन कप मैंने लिया है पानी 1.5 कप है पास्ता 1 चम्मच इसमें डालता हूं मैं अपना ऑयल। ऑयल इसलिए हम डालते हैं क्योंकि आपस में चिपक मत जाए बस दैट्स इट और कोई पर्पस नहीं है ऑयल हमारा सारा निकल ही अभी जाना है। 10 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर में इसे पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं एक पास्ता को निकालते हैं चम्मच ऐसे काट के देखते आराम से कट गया यानी कि बन चुका है। अब मैं इसे एक स्ट्रेनर में ऐसे डालूंगा और साथ में ही फटाफट ठंडा पानी इसके ऊपर मैं ऐसे ऐसे डाल दूंगा इससे क्या होगा ये आपस में नहीं चिपकेंगे। ये देखिए बचा हुआ सारा ऑयल ही है। अब मैं लेता हूं 3 चम्मच ऑयल और ये मैं यूज कर रहा हूं ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा हेल्दी ऑयल है ये भी डिसानो कंपनी का है। ऑयल को अब मैंने अपना पूरा गर्म कर लिया क्योंकि ज्यादा गर्म हो गया है मीडियम फ्लेम कर देते हैं। इसमें डालते हैं अपनी अदरक और ग्रीन चिली अच्छे से मैं इसे हिलाऊंगा गोल्डन होने तक। गोल्डन हो चुकी है अब इसमें अपनी फ्रेंच बीन्स डालते हैं 1 मिनट इसे चलाएंगे। अब इसमें मैं अपनी ब्रोकली डाल रहा हूं फिर से अब 1 और मिनट चलाएंगे। अब अपनी फ्लेम हाई कर दे क्योंकि गैस हमारी जो कढ़ाई है वो थोड़ी अब कम गर्म हो गई है। अब इसमें मैं अपने मशरूम डाल रहा हूं फिर से 1 मिनट इसे चलाएंगे। ये मशरूम ही था 1-2 बच गए थे वो डाले हैं। आप लोग सोचोगे पता नहीं क्या डाल दिया इसमें छुपा के है ना ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट हमने अब इसे चलाना है। अब मैं अपना खीरा इसमें डालूंगा और फिर से 1 मिनट इसे चलाएंगे।
अब इसमें अपने मटर डाल के फिर 1 मिनट इसे चलाएंगे। अब इसमें मैं अपने कॉर्न्स डालता हूं, फिर 1 मिनट इसे चलाएंगे। अब अपने अनियन डाल के फिर से 1 मिनट इसे चलाएंगे। अब क्योंकि हर सब्जी 1 मिनट चल चुकी है, इसमें अपना नमक, ब्लैक पेपर और लेमन जूस मैंने डाल दिया। लेमन जूस और नमक भैया रिएक्ट करते हैं आपस में, इसलिए सब्जी अब आपको लगभग 1 मिनट में ऐसा आपको नजर आएगा कि जैसे गल रही है सब्जी। और सबसे पहले आपको प्याज अपने नजर में आएंगे, प्याज का कलर थोड़ा सा बदल जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। जैसी आपको सब्जी थोड़ी थोड़ी गलनी हुई नजर आए, गलती हुई, उसी समय हम अपना इसमें पास्ता ऐड करेंगे। इसे लगभग हम 2 मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे। कितने मिनट? लगभग 2 मिनट। लगभग इसे मैंने अब 2 मिनट चला लिया है। अभी फ्लेम हमारी हाई है, अच्छा रहेगा अगर हम इसे थोड़ा सा कम कर दें, हम नहीं चाहते ये जल जाए। अब इसमें मैं अपनी मेयोनीज ऐड करूंगा। मैं डाल रहा हूँ चिपटोले साउथ वेस्ट, यह है मेरी साउथ वेस्ट मेयोनीज, वीवा कंपनी की है, 2 चम्मच। 1 चम्मच मैं डालूंगा टोमेटो केचप, मैं मैगी की यूज कर रहा हूं। थोड़ा सा हिला देता हूं ताकि चम्मच थोड़ा साफ हो जाए। अब इसमें मैं अपनी नॉर्मल वाली मेयोनीज डालूंगा, व्हाइट वाली, एकलेस है मेरी। 2 चम्मच मैंने अपनी मेयोनीज डाली। अच्छे से अब मैं इसे एक मिक्स दूंगा। गैस की फ्लेम अब अपनी हाई कर ले और इसे ऐसे मिक्स करते रहे, क्योंकि अब ये मिक्स हो गई। अब मैं इसे हिलाता हूं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 1 या 1.5 मिनट या 2 मिनट, बस हमने इसे चलाना है। अब ये बन गई। अब मैं एक ऐसा वाला जाली लेता हूं, जाली के ऊपर मैं अपना कोल रख देता हूं। कोल को हमने व्हाइट होने तक ऐसे ही रखना है गैस के ऊपर में। ये देखिए कोल अब हमारा व्हाइट हो रहा है, दैट्स इट। अब हम इसे डाल सकते हैं, किस में डाल सकते हैं गाइस। ये कोल वाला आप सारा प्रोसेस कैंसिल कर सकते हो अगर आपका मन नहीं है, अगर आपको स्मोकी चीजें नहीं पसंद है। हम अपने मेयोनीज को निकाल लेते हैं एक बड़े से बाउल में, बाउल के ऐसे साइड में ऐसे मैं जगह बना लेता हूं और एक एल्यूमिनियम फॉयल ऐसे मैं लगा देता हूं। वैसे अब ये खाने के रेडी है, लेकिन अब बनानी है ना स्मोकी। मैंने अपना कोल रखा और इसके ऊपर मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे घी डाल के इसे अब मैं ढक दूंगा। कितनी देर के लिए? लगभग 2-2.5-3 मिनट, ज्यादा है बस। ये देखिए कैसे इसके अंदर में धुआं पूरा भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है। वाह, धुआं अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अब इसे हम इसे खोल सकते हैं। चलिए अब इसे खोल देते हैं। अपने कोल को अब हटा लें यहां से। अब अपने एल्यूमिनियम फॉइल को हटा लें। ध्यान रखिए गर्म होगा, दैट्स इट। अब इसे एक अच्छा सा ऐसे मिक्स इसे दे दे। बहुत ज्यादा अच्छी स्मोकी सी आ रही है इसके अंदर में खुशबू। So, क्योंकि अब आपने देख ली है ये वाली रेसिपी, आपको भैया कैसी लगी जरूर बताना। अपने घर पे इसे बनाओ, अपने हॉस्टल पे बनाओ, जहां भी रहते हो आप इसे जरूर बनाओ। बहुत ज्यादा इजी बन जाती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। एक बार अगर आप खरीदते हो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, ज्यादातर ऐसे इंग्रेडिएंट एक बार खरीदते हो तो बहुत टाइम तक आप उसका यूज कर सकते हो। कुछ भी उसके साथ में बना सकते हो, सैलड बना सकते हो, ये वो ये बहुत कुछ बना सकते हो। तो चलो अब मैं जाता हूँ, आपको अब खुद ही बताना होगा कि ये भैया आपको कैसी लगी। अब मैं जाता हूँ, और जाने से पहले
कुछ चीजें, वह लाइक कर दो इस वीडियो को और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलना कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को शेयर कर दो। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मिस्टर बगा यूट्यूब चैनल को, उसे सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट कर दे। और जिन लोगों को मेरी वीडियोस की अपडेट नहीं मिलती है वो एक बार मेरे को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करें, फिर बेल वाले आइकन को हिट करें। बाय बाय।